फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं बीनागंज, क्योंकि इसको राजेश को बुखार आ रहा है कल नाइट से ही। और हमने यहाँ पर जो गांव में डॉक्टर होता है उससे एक बार इंजेक्शन लगवा लिए हैं, लेकिन इसका बुखार जो है अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो इसको हम लेकर जा रहे हैं डॉक्टर के पास। चलें हॉस्पिटल में बहुत भीड़ है, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र आई, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इंजेक्शन लग चुका है, दवा गोली लेकर निकलते हैं। यह है बीनागंज का चौराया, ये चौराया नहीं है, जैसे तिराया है, टी है, और बस स्टैंड है यहाँ का। गाड़ी खड़ी है कमला जो गुना तक जाती है यहाँ से, और इधर के जो रोड गया है सामने चाचड़ा की तरफ गया है, और ये सीधा यहाँ से काम खड़ा होते हुए झालावाड़ टू कोटा तक जाता है और जयपुर तक जाता है। देखो लिखा हुआ है जयपुर यहाँ से 475 किलोमीटर है। सामने बोर्ड लगा हुआ है, और इधर सामने जो रास्ता गया है ये गया है इंदौर और भोपाल, यानी ये भी रोड है, सीधा इंदौर से होते हुए फिर जाता है ये बॉम्बे। सवाराम जी की दुकान है ये, सवाराम जी यहाँ के प्रसिद्ध हलवाई, इनकी मिठाई बहुत प्रसिद्ध थी, और ये यहाँ पर उनकी होटल थी पहले, लेकिन अब बंद हो चुकी है और अब साड़ियों की दुकान चलाते हैं। इसके आगे है श्री स्वामी रामानंद संत आश्रम, थोड़ा सा आगे है, और ये है बीनागंज का पुस्तकालय श्री स्वामी। और ये है बीनागंज की सार्वजनिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, जिसका नाम है श्री स्वामी विवेकानंद सार्वजनिक पुस्तकालय। और इसकी जानकारी मुझे भी अभी देख रहा है बोर्ड, तब चला तो बहुत सारे भाइयों को भी हो सकता है पता होना बीनागंज का श्री स्वामी रामानंद संत आश्रम, क्योंकि ये इसका बोर्ड बहुत छोटा लगा हुआ है अभी, इसलिए समय का अभाव इस कारण पूरा अंदर तक का नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन इसका अभी समय होगा इसका पूरा आपको अंदर का नज़ारा दर्शन करवाऊँगा। और यहाँ थोड़ी सी सब्जी लेने के लिए हम रुके आए हैं, और रवि ने ली है मिर्ची, क्योंकि अभी हमारे खेत में मिर्ची नहीं लग रही है, तो हरी मिर्च हम यहाँ से खरीद रहे हैं। ये है हमारा बीनागंज का मार्केट, और इधर सब्जी के ठेले लगे हुए हैं। ये
लेने के बाद हम जा रहे हैं रूम पर, तो वहाँ से फिर निकलेंगे हम घर पर। और अब हम आ गए हैं कृष्ण प्रताप, रहता है यहाँ पर, पढ़ाई करता है, तो रूम ले रखा है। और ये मकान है मेरे ताऊ जी की लड़की का है, और ऊपर है मेरा भानेज हन्नू। तो यहाँ लाइट नहीं है अभी फिलहाल में। चले, अचानक से बारिश आ गई, घर जा रहे थे रास्ते में, तो अभी हम यहाँ पर मोए खेजड़ा पेट्रोल पंप पर रुके हैं। हाईवे के किनारे हैं ये, एसआर पेट्रोल पंप है काई का, बट पेड़ है वो। अब चलते हैं घर, पानी थम चुका है। यह जो आपको सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, यह है हमारे गांव का स्कूल। यहां मैं 8वीं कक्षा तक पढ़ा हूं, पहले यह मिडिल था, लेकिन अब यह हाई स्कूल हो चुका है। आदरणीय श्री लाल जाटव सर, वह बहुत ही आदरणीय और रिस्पेक्टेड सर है, और एक संत पुरुष देखता हूं मैं उनकी छवि में। भले वो गृहस्थ है, लेकिन बहुत ज्ञानी और परमदर्शी व्यक्तित्व के धनी हैं, जिन्होंने हमें पढ़ाया है। इधर बारिश कम हुई है, तो यहाँ से तो बिल्कुल बारिश नहीं है हमारे इधर। इधर रेल रोड के उधर अच्छी बारिश हो गई, इधर बारिश नहीं है। कुछ देर में हम पहुँचने वाले हैं हमारे घर। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ घर पर, और आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म।